जयपुर पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चंबल के डकैत जगन गुर्जर को हिरासत में ले लिया। बता दें यह कार्रवाई जयपुर पुलिस कमिश्नर बिरजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर अवैध हथियार तस्करी मामले में की गई। बताया जा रहा है कि पूरा केस अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से रैकेट चलाने से जुड़ा है, जिसमें डकैत जगन गुर्जर का भी नाम सामने आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान पर आपत्ति जताई। सीएम बोले, राहुल गांधी ने देश के 125 करोड़ हिंदुओं का अपमानित करने का काम किया है। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर चर्चा थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस पर एक भी शब्द नहीं कहा। राहुल गांधी का पहला भाषण ही झूठ, निराश और तथ्यहीनता से भरा हुआ था। हिंदुओं को हिंसक और अक्सरवादी बताना और इस पर राजनीति करना एक नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर मंगलवार को रीट शिक्षक भर्ती के परिणाम की मांग को लेकर राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार संघ की अगुवाई में अभी अभ्यर्थियों ने धरना दिया। युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष अलोक राज से मुलाकात भी की। सेक्स स्कैंडल में फंसे बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन को अब कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उनके खिलाफ जोधपुर के राजीव गांधी नगर में दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में दर्ज मुकदमे को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजीव गांधी थाने में दर्ज हुए मुकदमे में पुलिस की ओर से एफआईआर पेश की गई, जिसे पॉक्सो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। दिल्ली हाई कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को करेगी। अरविंद केजरीवाल ने आबकारी मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और 3 दिन की रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट को में चुनौती दी। स्वाति मालीवाल ने कहा, जब से मैंने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, तब से दिल्ली सरकार के मंत्री और अफसरों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 6 महीने से किसी को सैलरी नहीं दी गई। बजट 28.5% कम कर दिया गया। 181 हेल्पलाइन वापस ले ली गई और अध्यक्ष और 2 मेंबर की पोस्ट भरने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। दलित मेंबर की पोस्ट 1.5 साल से खाली पड़ी है। मेरे जाते ही हर संभव कोशिश की जा रही महिला आयोग को फिर से कमजोर संस्थान बनाने की। महिला से दिल्ली सरकार क्यों दुश्मनी निकाल रही है? मैंने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे जवाब मांगा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत करती है। प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद जी वहां नहीं थे। प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ, मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वहां नहीं थी। अखिलेश यादव ने घर खाली किया तो गंगा जल से घर धुला गया। कन्नौज में पत्नी के साथ मंदिर का दर्शन करने चले गए तो मंदिर को गंगा जल से धोया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने भाषण से हटाई गई टिप्पणियों और अंशों को लेकर अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा और अनुरोध किया कि टिप्पणियों को बहाल किया जाए। पत्र में लिखा कि यह देखकर स्थापित हूँ कि जिस तरह से मेरे भाषण के काफी हिस्सों को निष्कासन की आड़ में कार्रवाई से हटा दिया गया, मेरी सुविचरिता टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा देना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा, हम भी जय श्री राम के नारे देते हैं तो वो चलता है, लेकिन भाजपा के अलावा कोई कहे तो ये अपराध है। मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी ने कल हिंदुत्व का अपमान किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा की गई हिंदू पर टिप्पणी के विरोध में महायुति नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ राहुल गांधी माफी मांगो जैसे कई तरह के नारे भी लगाए। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू हूँ। शुक्रिया।